आप देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आज पूरे देश में ईद का फेस्टिवल पूरे जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, क्योंकि दो साल जिस तरीके से कोरोना काल रहा है और दो साल बाद आज दिल्ली के जामा मस्जिद में ईद की नमाज जो है वो अदा की गई है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज दो साल बाद ईद की नमाज जो है जामा मस्जिद में अदा की गई है कोरोना काल के बाद, कैसा आज लग रहा है आप लोगों को? देखिए बिल्कुल, एक ये जो खुशी है ये कम से कम लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है, इसको तो समझने के लिए एक बेहतरीन दिल की ज़रूरत है। तो ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और दो साल बाद जिस तरह से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो ये वाकई हर्ष का विषय है और बहुत खुशी की बात है। आज के दिन जिस तरीके से दो साल कोरोना काल के रहे घरों में ईद की नमाज अदा की है और आज सबने आके जिस तरीके से हमने देखा कि जामा मस्जिद के अंदर ईद की नमाज जो है अदा की गई है जी, बहुत अच्छा लगा। और हमने इसके साथ ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ जो दुआएं की वो देश की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, कि भाईचारा अल्हम्दुलिल्लाह है तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और इसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हर मजाहिब के लोग रहते हैं और आपस में बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। आज अभी ईद है, इंशाल्लाह ताला कुछ महीनों बाद फिर यहाँ दिवाली भी होगी और दशहरा भी होगा इंशाल्लाह। इसी तरह से हम तमाम लोग साथ मिलकर ये तमाम त्यौहार साथ मनाएंगे। आज किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? आज हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, एक दूसरे के लिए खुशहाली की दुआ मांगते हैं। लेकिन दो साल बाद आज जिस तरीके से एक कोरोना काल के बाद कहें कि आज ईद का त्यौहार इतने अच्छे से मनाया जा रहा है, ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज दो साल बाद उन लोगों ने इकट्ठे होकर नमाज पढ़ा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और हम लोग ये दुआ करते हैं आगे देश में इसी तरीके से अमन शांति हो, लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के त्यौहार में खुशी मनाए और इसी तरीके से। अच्छा, क्या नाम है आपका बच्चे? मोहम्मद सऊद। आज कितना इंतजार रहता है ईद का? बहुत दिनों से इंतजार रहता है यहाँ ईद का। बेटा कितना इंतजार रहता है ईद का? बहुत, ईद मिलती है इसलिए। ईद ही मिलती है, ओके। दो साल बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है ईद का, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड को लेते हुए बहुत हमने तैयारी करी हुई है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। क्या मैसेज देंगे आज के दिन? आज के दिन ये कि भाईचारे का मैसेज है, हम सब लोग भाई भाई हैं, सब मिलजुल करेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बहुत लोग जो है लोगों के अंदर काफ़ी खुशी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।